नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बॉलीवुड की कुछ खास खबरों के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। बात करते हैं सलमान खान की नई मूवी ट्रेलर के बारे में, जो कि अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में है। अंतिम द फाइनल ट्रुथ में सलमान खान आपको एक सीरियस पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे और इस फिल्म की कुछ अनोखी कहानियां मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये सलमान खान के इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कोई भी अभिनेत्री नहीं रहेगी। जी हाँ, सलमान खान की कुछ ही ऐसी मूवीज होंगी जिसमें सलमान खान के अपोजिट कोई एक्ट्रेस नहीं होगी। उनमें से ये एक मूवी है जिसका ट्रेलर कल ही लॉन्च किया गया है। इसके अलावा सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा भी इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं और ऐसे में एक्शन सीक्वल्स भी ट्रेलर में देखने को मिला है, जो कि कल सलमान खान जब फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने बताया कि ये आयुष के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था कि वो मेरे सामने फाइटिंग सीक्वल्स कर रहे हो। लेकिन ऐसे में सलमान खान ने कहा कि आयुष के लिए बेहद ही मुश्किल काम था मेरे साथ फाइट करना। और वहीं दूसरी ओर सलमान खान ने इस फिल्म में अपने अपोजिट में किसी भी हीरोइन को नहीं लिया है। कारण ये कि सलमान खान इस फिल्म में एक सीरियस पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं और ऐसे में ना ही इस फिल्म में वो आपको रोमांस करते हुए नजर आएंगे और ना ही अपने डांस दिखाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि सलमान खान ने ट्रेलर लॉन्च में खुद इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि उस सीक्वेंस की शूटिंग करते हुए 14 टेक हुए, क्योंकि आयुष हर बार उनके सामने आकर पंच ठीक से मार ही नहीं पा रहे थे। सलमान को लगा कि कहीं पूरा दिन इसमें ना चला जाए। आखिरकार निर्देशक महेश मांजरेकर और सलमान खान ने आयुष को सहज करवाया, जिसके बाद वो सीन शूट हो पाया। गौरतलब है कि इस सीन में सिर्फ पंच ही नहीं पड़ेंगे बल्कि सलमान खान के साथ साथ आयुष की शर्टलेस वाली फाइटिंग है। आयुष ने बताया कि सलमान खान के अपोजिट शर्टलेस होकर फाइटिंग करनी है। इस बात ने उन्हें रात भर सोने नहीं दिया था। सलमान खान जब भी शर्ट उतारकर स्क्रीन पर फाइट करते हैं, मैंने जमकर सीटियां मारी हैं। लेकिन ये पहला मौका था जब वे डरे थे, क्योंकि पीटने वालों में से एक वो भी थे। वहीं सलमान की माने तो एक अरसे बाद उन्होंने एक सीरियस पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है। उनकी इस फिल्म का किरदार उनकी पिछली फिल्म गर्व द प्राइड से मिलता जुलता है, जो कि राधे और चुलबुल से बिल्कुल अलग था। सलमान ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान इस बात के साथ साथ इसकी भी जानकारी दी कि यह सीरियस पुलिस वाले का किरदार है। यही वजह है कि फिल्म में मेरे अपोजिट हीरोइन को हटा दिया गया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इस किरदार से जुड़ी उसकी गंभीरता कम हो, इसलिए इस किरदार के साथ रोमांस और डांस का ट्रैक नहीं जा रहा था, जिसके बाद फिल्म में हीरोइन को हटा दिया गया। खास बात यह है कि कुछ एक दृश्य शूट भी हुए थे लेकिन बाद में उनको एडिट कर दिया गया। सलमान खान के अपोजिट फिल्म में अभिनेत्री कौन थी? हालांकि सलमान ने इस बात का खुलासा इस ट्रेलर लॉन्च के दौरान नहीं किया। गौरतलब है कि इस फिल्म में अभिनेता आयुष शर्मा के अपोजिट अभिनेत्री महिमा मकवाना है, जो कि टीवी की कई पॉपुलर धारावाहिकों का हिस्सा रह चुकी है। यह उनकी बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म होगी। गौरतलब है कि 26 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। सलमान खान और आयुष शर्मा की यह फिल्म 5G मराठी क्राइम ड्रामा मुलशी पैटर्न का रूपांतरण है। फिल्म में सलमान और आयुष के अलावा प्रज्ञा जायसवाल और महिमा मकवाना भी मुख्य भूमिका में है। अंतिम को सलमान खान फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है और सलमान खान द्वारा निर्मित भी है। जहां एक तरफ इस फिल्म में आपको सलमान खान एक सीरियस पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे, वहीं दूसरी ओर सलमान खान के अपोजिट इस बार कोई भी एक्ट्रेस आपको नजर नहीं आएंगी। सलमान खान ने इसका खुलासा खुद किया कि कुछ ऐसे सीन शूट हुए भी थे लेकिन उसको बाद में एडिट करके हटा दिया गया। वहीं दूसरी ओर आयुष शर्मा इस फिल्म के फाइटिंग सीन के दौरान थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। उनको इस बात की हिचक हो रही थी कि सलमान खान
जो कि शर्टलेस होकर जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो फैंस देखते रह जाते हैं, और आयुष खुद कितनी बार सीटियां बजा चुके हैं, लेकिन ऐसे में पहली बार ऐसा था कि सलमान खान के सामने आयुष शर्मा शर्टलेस होकर सलमान से फाइटिंग कर रहे थे, और पंच मारने के दौरान न जाने कितने रीटेक लिए। इसके बाद कल इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिलहाल तब तक बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।